ये तो कुमारी शैलजा बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनको आज तक कितनी इज्जत मिली है, उनकी आज तक कितनी बात मानी गई है। खड़गे जी बताएं, जितने भी दलित अभी तक कांग्रेस के अंदर हैं वो सारे एकजुट होकर के कांग्रेस के अंदर होने वाले जातिवाद का पर्दाफाश करें कि शैलजा कुमारी को जब ये झटका लगा है तो इस झटके के बदले शैलजा कुमारी ने कांग्रेस को क्या झटका दिया? क्या केवल कांग्रेस इनको झटके पर झटके दे सकती है? क्या दलित नेताओं में अपनी कोई कुवत नहीं है, अपनी कोई हिम्मत नहीं है कि ये भी थोड़ा बहुत झटका दे दें? क्या ये अपनी कोई पावर, अपनी कोई पहचान, अपनी कोई मजबूत बेस बनाकर नहीं चलते? इन्हें जब चाहे लात मार के निकाल दें, जब क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक चमारी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, तो उन्हें उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लेना। जाटों को बर्दाश्त नहीं होगा हरियाणा। बिल्कुल, देखिए जाट, गुजर या यादव या कोई भी, जब ओबीसी की जो थोड़ी भूमिहार, जिनके पास भूमि है, संपत्ति है, जो जमींदार टाइप के हो गए हैं, जट्ट हैं जैसे पंजाब में, इस तरह की जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, ये लोग अपने आप को शूद्र मानते ही नहीं। इनके दिमाग में तो ये है कि हम बहुत ऊंचे हैं और हमसे नीचे दलित है, अछूत है, और इनकी बेटियां बहनें हमारे सामने कीड़ा मकोड़ा हैं। कुमारी शैलजा को लगातार जातिगत टिप्पणियाँ, जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, और कांग्रेस के लिए कुमारी शैलजा ने पूरा जीवन लगाया, और निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते आज तक वो पार्टी के अंदर रही और पार्टी के लिए काम किया। उनके समर्थक जो जीत सकते हैं, ऐसे समर्थकों को भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो ये इससे पता चलता है कि दलित चाहे कहीं भी कितनी भी निष्ठा के साथ अपना 100% दे दे, पर उसको 50% भी उसके हिस्से का ना सम्मान दिया जाता है, ना उसके हिस्से का पावर दिया जाता है, ना उसके हिस्से की पोस्ट दी जाती है। क्या मानसिकता लोगों की बदली है? कांग्रेस में भी यही हालत है? देखिए, चाहे समर्थकों की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों के जो बीच में जातिगत लोग हैं, उनके दिमाग में जातिवाद की जो गंध है वो दोनों तरफ बराबर भरी हुई है। आप सोचेंगे कोई कांग्रेस में चला गया तो उसके अंदर जातिवाद नहीं है? अरे, जातिवाद सामाजिक परिवेश का सवाल है, और इस सामाजिक परिवेश में पलके जाने वाला व्यक्ति चाहे बीजेपी में चला जाए चाहे कांग्रेस में चला जाए, अगर उसकी पार्टी का मुखिया उन पर कमान नहीं कसेगा, उन्हें सजा नहीं देगा, उन्हें निकाल कर बाहर नहीं करेगा और उन्हें टर्मिनेट नहीं करेगा, तो वो जातिगत जो खड़गे क्या कर रहे हैं, वो भी तो दलित है। मैं वही कह रही हूँ ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब उसमें संसद में बोल सकते हैं कि आप वर्णाश्रम लाएंगे, स्पीकर को बोल सकते हैं कि आप वर्णाश्रम में विश्वास करते हैं, जब उनसे ये कहा गया कि आपसे बेहतर दूसरे व्यक्ति में गट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में खड़गे जी अपने लिए तो बोल पड़े कि आप जो है वर्णाश्रम लागू करना चाहते हैं, आप भेदभाव करना चाहते हैं, पर यहाँ पर उन्हीं की पार्टी के नेता के साथ में हो रहा, खड़गे जी क्यों बोलेंगे? खड़गे जी बोल दिए तो पार्टी से हो सकता है पद छिन जाए। तो पद भैया सबको चाहिए, जिनको पद चाहिए वो अपनी बेइज्जती, तो अपना अपमान, यही औकात है कांग्रेस में, यही वैल्यू है दलितों। ये तो कुमारी शैलजा बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनको आज तक कितनी इज्जत मिली है, उनकी आज तक कितनी बात मानी गई है। खड़गे जी बताएं, जितने भी दलित अभी तक कांग्रेस के अंदर हैं वो सारे एकजुट होकर के कांग्रेस के अंदर होने वाले जातिवाद का पर्दाफाश करें। कांग्रेस हुड्डा परिवार देखिए, हुड्डा के रहते हुए हरियाणा के अंदर अनेकों कांड ऐसे हुए जो दलितों के साथ नरसंहार वाले थे। मिर्चपुर कांड था, उधाना कांड था, गुहाना कांड था, ऐसे कितने कांड हुए, कितने ऐसे थे जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाए, जो गांव के गांव में ही खाप पंचायतों के बहाने दबा दिए गए, और खाप पंचायतों से ही दलितों के साथ अत्याचार करके उनकी पंचायतों को, उनके न्याय को वहीं ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि खाप पंचायतों की बहुत चलती है हरियाणा के अंदर, और आज भी कानून को ना मान करके वो खाप पंचायतों को मानते हैं। तो वहाँ पर खाप पंचायत के आड़ में अत्याचार और अन्याय दलितों के खिलाफ लगातार बढ़ता है, जहाँ 22% वोट है दलितों का, लगभग 22% वोट वाले राज्य में दलितों को मुख्यमंत्री बनाते हुए क्या राहुल गांधी जी को शर्म आ रही है? 3% वाले लोग, जो केवल 3.5% लोग हैं, जिसको हम ब्राह्मणिज्म कहते हैं, जिन्हें उधारी कहते हैं, वो पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं, चाहे बीजेपी में ले लो, बीजेपी रही तो बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस रही तो कांग्रेस ने बनाया। तो आप ये बताइए, जब सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय को आप अपनी पार्टी में ही पहले दर्शा दीजिए, बाकी नेताओं से, बाकी पार्टियों से विपक्ष कहने की तो बाद में बात आएगी, आपको देख कर हो सकता है दूसरी पार्टी के लोग सीख जाएँ, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। आप मंच पर आएंगे, माइक को चेक करेंगे और आप ना भाषण देकर चले जाएंगे, हो गया सामाजिक। देखिए, अगर कुमारी शैलजा, खड़गे और भी अन्य नेता जो भी पार्टियों के अंदर उदित राज है और जितने भी कांग्रेस के अंदर नेता हैं, अगर ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये गूंगे बनके एक दूसरे की बेइज्जती होते हुए बिल में छुपकर देखते रहेंगे, तो ऐसे ही एक के बाद एक की बेइज्जती होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको खुद की अपनी जमीन की खबर नहीं है कि उनके जमीन को ठेस पहुँचाई जा रही है, उनको चोट पहुँचाई जा रही है, तो उनकी लड़ाई कौन कैसे लड़ सकता है, उनको कैसे न्याय दिला सकता है? पहली चोट तो मेरे अगर आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, मेरी बेइज्जती हुई है, तो जिसके साथ बेइज्जती हुई है उसको आवाज़ उठानी चाहिए। उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए समाज क्यों आए? समाज तो बाद में आएगा, पहले खुद तो आए। पता चला समाज आवाज़ उठा रहा है और वो कहते हैं जी मेरे तो कोई बेइज्जती नहीं हुई, मैं तो सहमत हूँ, मैं तो पार्टी के साथ रहना चाहती हूँ, तो क्या करेगा फिर समाज? समाज का तो उल्लू बन जाएगा ना।
तो सबसे पहले जिसके साथ बेइज्जती हुई है उन लोगों को आगे आकर के इस बात को कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, प्रेस के सामने आना चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए, पार्टी छोड़नी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर किस तरह का जातिवाद होता है, किस तरह से लोगों को लिया जाता है, किस तरह से लोगों को निकाला जाता है और किस किस तरह से दलितों के साथ टिकट बांटने तक में जो है भेदभाव किया जाता है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद कुमारी शैलजा को बसपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, वहाँ कब तक अपमान झेलेंगे वो? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अपमान हुआ, बेइज्जती हुई है तो अपनी पार्टियां हैं, अपनी पार्टियों को मजबूत करिए। स्टेट को आपका काम भी वहाँ पर पहले से है, आपकी पहचान भी पहले से वहाँ है, तो आप अपने स्टेट को मजबूत करिए। आप जाइए, आप बसपा में ज्वाइन करिए, अगर बसपा से आपको ऑफर आ रहा तो ये बहुत अच्छी बात है और ये सबक सिखा देना चाहिए कांग्रेस को कि लो जहाँ पर हमारी इज्जत नहीं है वहाँ पर हम रुकते भी नहीं है। ये जो दलित बुद्धिजीवी कांग्रेस की जो बात करते थे, कांग्रेस का जो समर्थन करते थे, कांग्रेस के लिए जिन्होंने वोट मांगे थे, वो दलित आज क्यों नहीं बोल रहे? वो क्या बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी जलते तवे पे हाथ रख दिया है ना, जलते तवे पे पानी रखो तो पानी की बूंदें जो छनछना जाती हैं, नाच जाती हैं और एक थोड़ी देर बाद वो बाष्प बन के ख़त्म हो जाती हैं। तो इनका जो कांग्रेस के प्रति जो इनकी सफाई देही थी वो तब तक थी जब तक चुनाव था, चुनाव के बाद छनछनाते पानी की तरह वो सब खत्म हो गया। अब क्या ही जवाब दे, उन्हें भी दिख रहा है कि बेइज्जती हो रही है, बचाएं तो कैसे बचाएं, अपने आदमी की इज्जत बचाएं या जो कांग्रेस के लिए जो पक्ष मांगा था, फेवर मांगा था, अपनी कही हुई इज्जत को बचाएं, अपनी कही हुई बात को बचाएं। तो वो लोग भी फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं कह सकते हमने ना तो कांग्रेस की चापलूसी करी ना कांग्रेस के लिए वोट मांगा, इसलिए हम हमारे समाज के प्रति किसी के भी साथ अन्याय अत्याचार होगा बोल सकते हैं। पूरा जीवन दे दिया कांग्रेस के लिए, उन्होंने शादी भी नहीं की है, वो मंत्री भी रही है केंद्र सरकार में, तो क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, शैलजा कुमारी इसके लायक हैं, काबिल भी हैं। लेकिन बात तो यहाँ ये आती है कि शैलजा कुमारी को जब ये झटका लगा है तो इस झटके के बदले शैलजा कुमारी ने कांग्रेस को क्या झटका दिया? क्या केवल कांग्रेस इनको झटके पर झटके दे सकती है? क्या दलित नेताओं में अपनी कोई कुवत नहीं है, अपनी कोई हिम्मत नहीं है कि ये भी थोड़ा बहुत झटका दे दें? क्या ये अपनी कोई पावर, अपनी कोई पहचान, अपनी कोई मजबूत बेस बनाकर नहीं चलते? इन्हें जब चाहे लात मार के निकाल दें, जब चाहे तब इन्हें एंट्री कर लें। हरियाणा के दलितों को वोट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये तो शैलजा कुमारी को करना चाहिए। अगर कुमारी शैलजा कांग्रेस में रहेंगी तो उनके समर्थक देंगे, कुमारी शैलजा बाहर आएंगे तो हो सकता है समर्थकों पर भी असर पड़े। ये तो कुमारी शैलजा को तय करना चाहिए कि उनके समर्थक और वो कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी। लेकिन लोगों को अपमान चाहे हमारे नेता का हो, चाहे किसी के आम व्यक्ति का हो, समाज इस अपमान को समझता है और पहचानता है, इसका बदला भी लेना चाहता है। राहुल गांधी का दिखावा है, मंचों से बोलते हैं सामाजिक न्याय की बात, हिस्सेदारी की बात, अपनी पार्टी में भी जगह रखते हैं। उनके जो उनको लिख के दे दिया जाता है वो उस बात को बोल देते हैं, उन्हें अभी सच में वास्तव में उन्होंने अभी सामाजिक न्याय को समझा नहीं है, अभी पढ़ा नहीं है। जिस दिन सामाजिक न्याय को समझ जाएंगे उस दिन पार्टी के अंदर सबसे पहले लागू करेंगे। उनके विरोधी या विपक्षी दल के जो लोग हैं, विपक्षी पार्टियां उनको देखकर सीख सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर एक पार्टी का व्यक्ति कह रहा है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए तो होना नहीं चाहिए, वो करके दिखाना चाहिए और करके जब दिखा देंगे तो अन्य पार्टियां आपको देखकर सीख सकती हैं और आपका एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं। आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, केवल भाषण से बात नहीं बनती। हरियाणा की जो वीडियो आ रही है, ऐसा लगता है जाति वहाँ पर चरम पर है इस टाइम, जातिवाद सबसे ज्यादा, भेदभाव छुआछूत हरियाणा में लगता है। देखिए वो क्या बड़ी नेता है, वो क्या बड़ी नेता है, जब बहन कुमारी मायावती को बोल सकते हैं तो कुमारी शैलजा क्या है? बहन कुमारी मायावती चीफ मिनिस्टर रही है, तो जातिवाद जो दिमागों में भरा हुआ है वो पार्टी के ऊपर से उनको शय मिलती है। जिस पार्टी के अंदर उनका जो मुखिया होगा, अगर उसके अंदर जातिवाद होगा तो उसके जो नीचे वाले कार्यकर्ता होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, उनके अंदर भी जातिवाद धीरे धीरे पनप रहा होगा और बढ़ता जाएगा और वो एक ना एक समय पर जरूरत पड़ने पर जब मंच पर खड़ा होगा या कहीं भी आएगा तो वो पब्लिकली भी हो जाएगा। तो इनके जातिवाद की अभी पब्लिसिटी हुई है क्योंकि कैमरे हैं और सामने आ गया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक चमारी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, तो उन्हें उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लेना। जाटों को बर्दाश्त नहीं होगा हरियाणा। बिल्कुल, देखिए जाट, गुजर या यादव या कोई भी, जब ओबीसी की जो थोड़ी भूमिहार, जिनके पास भूमि है, संपत्ति है, जो जमींदार टाइप के हो गए हैं, जट्ट हैं जैसे पंजाब में, इस तरह की जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, ये लोग अपने आप को शूद्र मानते ही नहीं। इनके दिमाग में तो ये है कि हम बहुत ऊंचे हैं और हमसे नीचे दलित है, अछूत है और इनकी बेटियां बहनें हमारे सामने कीड़ा मकोड़ा हैं। तो कुमारी शैलजा भले ही एक बड़ी चेहरा हो कांग्रेस के लिए, भले ही एक बड़ी लीडर हो, लेकिन जाटों के लिए और बाकी और गुजर जातियों के लिए उनको ये मन में लगता है कि ये जो हैं हमसे नीचे हैं।
अलग कर लिया है, ना कोई सभा कर रही है, ना दिखाई दे रही है प्रचार में। तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ना, उन्हें प्रेस के सामने आना चाहिए, उन्हें कैमरा का सामना करना चाहिए, उन्हें हिम्मत जुटानी चाहिए और हिम्मत करके जो हुआ है एक्चुअल में उसको बताना चाहिए कि इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है नहीं पहुंची है, या फिर इतना सुनने के बाद भी मेरी इज्जत में कोई खराबी नहीं हुई है या मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो कम से कम अगर बोल्ड लीडर है तो बोल्ड लीडर आकर हर चीज हर परिस्थिति का सामना करने चाहिए। दोगलों का इलाज क्या, पूरे देश में तो दलितों को न्याय दिलाने चले, अपने घर में न्याय तो अपने आप के साथ न्याय करा लें भैया, समाज के साथ तो बाद में न्याय कराएंगे। अपने साथ जितने कांग्रेस के अंदर लीडर हैं पहले ही अपने साथ न्याय करा, लेने के साथ न्याय नहीं होता। इन्हें दलित नेता हैं बिल्कुल दलितों को खुश करने के लिए, और जब ये गलतियां करें तो उस गलतियों को झाड़ू पोछा लगाने के लिए। मान लीजिए कि झाड़ू पोछा एक तरह से तो होता है कि भाई ऑफिस में लगाया जाए, सड़क पे लगाया जाए, एक झाड़ू पोछा वो भी होता है कि लीडर गलतियां करें, दलितों को गाली दे और उसकी जो साफ सफाई है, उसकी जो मतलब क्लियरिफिकेशन है वो दलित नेता देते हैं। ठीक है, ये तो दलित है लेकिन मुसलमानों के साथ भी तो ऐसे व्यवहार कर रही है कांग्रेस। देखिए राहुल गांधी का जो सामाजिक न्याय है वो सिर्फ मंच के भाषण में है, ठीक है, सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता, भाषण से नहीं होता, सामाजिक न्याय करना पड़ता है। और सामाजिक न्याय करने के लिए सबसे पहले उस न्याय के प्रति हमारे मन में ईमानदारी होनी चाहिए, जो राहुल गांधी के कार्यों में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। कांग्रेस सॉफ्ट रूप से मारती है, मीठा जहर है, और बीजेपी थोड़ा सा कड़वा जहर है, दोनों जहर हैं दलितों के और मुसलमानों के लिए। सामाजिक न्याय तो बीजेपी ठीक कर रही है, इसका मतलब देखिए सामाजिक न्याय की अगर बात करें और लोकतंत्र की बात करें तो वास्तव में जब हम बीजेपी की ओर देखते हैं तो बीजेपी ज़्यादा करती है। क्यों करती है? क्योंकि बीजेपी को इसके फॉर्मूले आते हैं, भले ही वो उसके पास पावर जीरो रखे लेकिन चेहरा दिखा देती है, देखो जी ये चेहरा है, ये दलित का है, ये ओबीसी का। हाँ, तो कांग्रेस जो है भाषण में दे रही है हिस्सेदारी और बाकी पार्टियां उसको दिखा दिखा करके लोगों को जो मीठा तरीके से अपनी ओर ला सकती हैं इसका चेहरा दिखा रही है। बाकी ना तो सामाजिक न्याय बीजेपी दलितों के लिए, ना तो सामाजिक न्याय बीजेपी में है, ना कांग्रेस में। आप ये सोचें कि कांग्रेस के अंदर अगर न्याय नहीं हो रहा तो एक तरफ हमारी बहुत प्यारी हम गले लगाने लायक बीजेपी हो गई, बीजेपी में भी ऐसा कोई न्याय नहीं है। लेकिन हाँ, वो एक तरह से इस बात को समझती है कि जो वोटर कांग्रेस की ओर भाग रहा है, जो बसपा की ओर जा रहा है, वो असपा की ओर जा रहा है, उस वोटर को जातियों में बांट के उनका भगवान देकर उनको एक तरफ वो शिफ्ट करने की कला जानती है।